शिवाय ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। वैदिक कल्चर के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष जल्द ही शुरू हो रहा है और इसी के निमित्त बहुत से लोगों ने मुझसे जब रिक्वेस्ट किया कि आप पितृदोष के भी उपाय बताएं, वैसे मैं आगे के काफ़ी एपिसोड्स में ये उपाय बता चुकी हूँ, लेकिन आज जब अभी पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो उस समक्ष कुछ और उपाय आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं, जानना चाहेंगे सभी लोग कि पितृदोष होता क्या है। एक्चुअली हम देखें तो पुराने समय में ये पितृदोष इतना नहीं पाया जाता था और आजकल बहुत ज़्यादा पितृदोष पाया जाता है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि पुराने समय में जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार बड़े होते थे, सभी लोग साथ साथ रहते थे और सभी रीति रिवाज को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता था। श्राद्ध पक्ष जब आता था, जब पितृपक्ष आता था, तो सभी के जो हमारे पूर्वज हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जो विधि विधान होते थे वो हमारे पूर्वज, हमारे जो माता पिता, हमारे जो पितामह, हमारे दादा दादी हैं वो पूरी तरह से उनको करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, न्यू जनरेशन आ गई है, कंप्यूटर एज आ गई है, इतनी भागदौड़ की जिंदगी है और जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको भी वेस्टर्न कल्चर के साथ भी कंपेयर किया जाता है कि वहाँ के लोग तो कोई श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं, फिर उनके पितरों की तृप्ति कैसे होती है। तो ये कंपैरिजन का विषय नहीं है, उनका अपना एक विधि विधान है जिससे वो अपने पितरों को विदाई देते हैं या उनके उनको प्रसन्न रखते हैं वेस्टर्न कल्चर में। उसी तरह हमारा जो भारतीय कल्चर है उसके अंदर पितरों के लिए एक स्पेशली जो पूरे वर्ष में एक श्राद्ध पक्ष आता है और वो 15 दिन सिर्फ हम पितरों को ही याद करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हें ही पूछते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इन 15 दिनों में पितृ जो हैं वो देवलोक से या पितृलोक से नीचे पृथ्वी पर आते हैं और अपने जो उनकी लीन है, जो है उनके जो आगे की जनरेशन है, जो उनका कुल है, उसमें जो हमारे परिवार के सदस्य उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए जो भी करते हैं, अच्छा है बुरा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो ब्लेस करते हैं। तो ये दिन तो होते ही हैं, लेकिन पितरों का हर अमावस पे भी कहा जाता है कि पितृ जो हैं हमारे पृथ्वी पर आते हैं या हमें देखते हैं कि हम उन्हें किस तरह से आदर सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने का भी विषय है कि पितृ हैं क्या और सही में क्या पितृ हमसे कनेक्टेड रहते हैं और क्या वो हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में जो हमारे काम काज है उनमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आजकल अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो हर व्यक्ति की कुंडली में, हॉरोस्कोप में जब चेक करते हैं तो पितृदोष पाया जाता है। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो उनमें चारों में ही किसी ना किसी तरह का पितृदोष पाया जाता है। पितृदोष ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का पितृदोष होता है। पितृदोष हमारे कई जनरेशन से भी चला आ रहा होता है या हमारे इस जन्म में भी होता है या हमारे कर्मों के अनुसार भी पितृदोष हम क्रिएट करते हैं। तो इसी की वजह से बहुत से अलग 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 प्रकार के कष्ट हमें अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना सब अच्छा कर रहा हूँ, इतनी पूजा भक्ति कर रहा हूँ या इतना विधि विधान कर रहा हूँ, इतने उपाय कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी कर रहा हूँ, फिर भी इतनी बाधाएं आ रही हैं। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो लीनेज हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं किसी कारण से दुखी हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में ये बाधाएं आ रही हैं या कष्ट आ रहा है। वो अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं पितृ कि आप हमें मुक्त करें, क्योंकि वो एक बंधन में बंध जाते हैं जब हम उनकी मुक्ति का रास्ता उन्हें नहीं प्रदान करते हैं। तो कुछ उपाय मैं आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने पितरों को इस श्राद्ध पक्ष में या पूरे साल में किस तरह से हम कुछ इस तरह के उपाय करें कि उन्हें प्रसन्न करें और उनकी मुक्ति का मार्ग उनको दिखाएं। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कुंडली में जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किस तरह का पितृदोष कुंडली में आ रहा है, तो वो एनालाइज भी कराना बहुत जरूरी होता है। जिसमें मुख्य जो इसमें ग्रह कार्य करते हैं वो होते हैं गुरु है, राहु है, शनि है, केतु है और सूर्य। इनके स्थान के अनुसार भी हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का पितृदोष है
और मुख्यतः जो हमारे लग्न कुंडली में लग्न का स्थान, पंचम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान, इस स्थान की जो प्लेनेटरी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता चलता है कि कौन सा पितृदोष क्रिएट हो रहा है। अब सूर्य जो है वो पिता का कारक है, पिता यानी पिता, पितामह, दादा और परदादा, ये लाइनें जो चलेगी अगर सूर्य से कहीं हमारा हमें पीड़ा पहुंच रही है, और अगर चंद्र है तो चंद्रमा हमारी माता, मातामह, दादी और परदादी, इसका कारक रहता है, माता की साइड का कारक रहता है, तो उससे संबंधित पीड़ा आ रही है तो हम चंद्रमा से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मंगल जो है वो हमारी कुंडली में भाई बहन आदि का कारक होता है, तो उससे अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उससे हम जान सकते हैं किस तरह की कहाँ स्थिति बन रही है, उससे हम पितृ दोष का पता लगा सकते हैं। अब कुछ लोग अगर एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं तो वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे, तो वो किस तरह जाने कि उनके जीवन में पितृ दोष की समस्या है। ये समस्या तो सभी के जीवन में है ही, पर कैसे जाने, तो उसे जानने के लिए सिंपली कुछ चीजें ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे जैसे देखिए अगर कोई बुखार है, सर्दी खांसी है, तो उसमें इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं कि छींक आ रही है या गले में इचिंग है, तो हमें पता लगता है कि हमें वायरल हुआ है या सर्दी खांसी जुकाम की वजह से ये प्रॉब्लम है। इसी तरह से पितृदोष के भी ऐसे लक्षण होते हैं कि हम जान सकते हैं कि पितृदोष हमारे जीवन में आ रहा है। इसमें एक मुख्य चीज आती है, जैसे कि कई लोग होते हैं वो जब भोजन करने बैठते हैं उनके भोजन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है, कभी बाल आ जाता है, कभी पत्थर आ जाता है, कभी कोई चीज आती है कि वो भोजन मतलब करते समय उनको जो पूर्ण संतुष्टि है वो नहीं मिल पाती, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पितृ उनसे रुष्ट है, ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है कि आपके पितृ बार बार आपको रिपीटेड सपने में आते रहते हैं, आप जब भी सोएंगे सपने में कोई ना कोई जो आपके गुजर गए हैं लोग वो आपको सपने में आएंगे, किसी भी तरह की बातचीत करेंगे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो अतृप्त हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके मुक्ति का एक रास्ता दिखाएं। तीसरा एक सिम्टम आता है कि कई लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी में कुछ बाधा नहीं होती, कुछ रुकावट नहीं आने के चांसेस होते हैं, पेपर क्लियर है, प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, तो जब प्रॉपर्टी के अंदर रुकावटें आती हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पितृ ऐसे हैं जो उस जायदाद से, उस हिस्से से कनेक्टेड हैं और वो आपसे प्रसन्न नहीं है, रुष्ट है, तो वो उस रास्ते में ऑब्स्टिकल लाके उस भीड़ को आपकी होने नहीं देते हैं। एक और सिम्टम है कि किसी स्त्री पुरुष का जब सपोज कोई कपल है और उनको बच्चा नहीं हो रहा काफी टाइम से, वो सारे चेकअप करा लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसके बावजूद भी उनको संतान नहीं हो रही है, तो संतान ना होने का कारण भी एक पितृ दोष मुख्य कारण इसका हो सकता है। और एक कारण होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई स्त्री या कोई पुरुष बहुत योग्य है, अच्छा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, हर तरह से संपूर्ण है, बट उसकी शादी नहीं हो पाती है, किसी ना किसी कारण से रुकावट आती है और बहुत लंबे समय तक, काफी उसकी उम्र हो जाए उसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाती है, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत योग्य है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पितृदोष का सिम्टम है। एक और सिम्टम है कि हम बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमें लगता है हमने 100% कर दिए हैं, हम 100% यानी 99.9 पे पहुंचते हैं और वो जो 0.1% रह जाता है वहां जाके अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो कार्य हमारा रुक जाता है, खत्म हो जाता है, या हम फिर से 0 पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये भी वन काइंड ऑफ सिम्टम है पितृदोष का। अब इस तरह के जो सिम्टम आ रहे हैं कि आप योग्य हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और आपसे पीछे वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया, आपसे कम जो योग्यता वाला है उसको जॉब मिल गई, आपकी योग्यता होते हुए जॉब नहीं मिल रही है, एक और मुख्य कारण नजर आता है कि परिवार में कलह, पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई विषय ऐसा आ जाता है जिस पर कि एक विवाद उठता है, दोनों के बीच में तनाव होने लगता है, दोनों में सेपरेशन आने लगता है, तो ये भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है। एक कारण और भी होता है कि पितृदोष की वजह से घर बहुत अच्छा है, घर के में नीट क्लीन है सब कुछ, लेकिन एक अजीब सी स्मेल उस घर में से आती है,
वो एक अजीब से स्मेल का आना भी एक इंडिकेट करता है कि उस घर के अंदर पितृदोष है। घर के अंदर सडनली कुछ ना कुछ टूटते फूटते रहना, अचानक से कुछ भी ऑब्स्टिकल, कुछ भी ऐसा काम करते करते आ जाना कि भाई मूड हट जाना उस काम से, ये भी एक पितृदोष का सिम्टम है। और एक सिम्टम है कि कुछ लोगों का यहाँ बहुत सा कोई मंगल कार्य कराने जाते हैं, हमारी एक क्लाइंट भी है वो भी यही कहती है कि वो जब भी कुछ भी मंगल कार्य कराने जाते हैं, यानी कुछ अच्छा भजन कराने जाएंगे या किसी कोई उद्यापन कराने जाती हैं या किसी रामायण आदि का अखंड रामायण का पाठ रखती हैं, या तो कोई रुकावट आ जाती है उस कार्य को, शुभ मंगल कार्य को करने में, या वो कार्य होने होते समय इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये भी वन काइंड ऑफ सिम्टम है उस पितृदोष का। तो ऐसे बहुत से जीवन में अलग अलग इंडिकेशंस, ये इंडिकेशंस है, ये इशारे हैं जो हमारे पितृ हमें देते रहते हैं कि आप हमें याद करें, आप हमें तृप्त करने की कोशिश करें। तृप्त का मतलब है कि आप हमारे को एक रास्ता प्रदान करें, एक टॉर्च दें कि हम उस मुक्ति की ओर जाएं। तो इन अगर आपके जीवन में या आपके किसी पहचानने वाले के जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो आप उनकी कुंडली के द्वारा भी चेक कर सकते हैं या इन सिम्टम्स के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि उनको पितृदोष है और उनका पितृदोष का उन्हें निवारण करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम ये सब चेक करें या ये सिम्टम्स हैं तभी हमें पितृदोष का निवारण करना है। आप जिस लीनेज से कनेक्टेड हैं, जिस जर्नी से कनेक्टेड हैं, उस जर्नी में जितने आपके आगे के जो बीज आपको देने वाले थे, उन सभी को अगर आप अपने जीवन में तृप्त करते हुए चलते हैं, तो नेचुरली आपके जीवन में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आप ये ना सोचे कि ये 15 दिन में ही हमें श्राद्ध पक्ष में सब करना है। कुछ लोग क्या है, 15 दिन में सब कुछ छोड़ देंगे, दाढ़ी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे ही एंड ऑफ द डे या बिगिनिंग डे, मतलब कल से पितृदोष शुरू हो रहे हैं, तो आज खूब नॉनवेज खाएंगे, ये सब करेंगे, सब मस्तियां कर लेंगे, 15 दिन कुछ नहीं करेंगे, आफ्टर 15 डेज फिर। ऐसा नहीं है, एक श्रद्धा का विषय है। आपको हर चीज को एक श्रद्धा के साथ, एक नियम के साथ, एक पूरा प्योरिटी के साथ फॉलो करते चले जाएंगे जीवन में, तो आने वाली बाधाएं सभी अपने आप दूर होती चली जाएंगी। अब ये सारे सिम्टम्स आपने जान लिए कि किस वजह से हमें पितृदोष आ रहे हैं, सिम्टम्स भी हमने देख लिए। अब इनके लिए उपाय क्या करें? उपाय कुछ सरल उपाय भी हैं, कुछ कठिन उपाय भी हैं। कठिन तो उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ पूजा की विधियां इतनी सारी बता दी जाती हैं पंडितों के द्वारा कि हर इंसान या तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि काफी कॉस्टली भी होती हैं पूजाएं, या अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो उसको मानता नहीं है, या उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इन सबको करे। लेकिन आपके पास में इन सबके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो आज मैं उन्हीं ऑप्शंस के विषय में आपके आपसे चर्चा करूंगी कि आप अपने पितरों के लिए इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आप पूरे साल उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि पूरे साल हम क्या कर सकते हैं। पूरे साल के लिए सभी लोग अपने घर में अपने पूर्वज जितने उन्हें याद हैं उनके फोटो जरूर लगाते हैं। पुराने जमाने में लगाते थे, आजकल लोगों ने लगाना छोड़ दिया है। तो सपोज अगर आप जितने पूर्वजों का, आपके दादा दादी और जो भी गुजर गए हैं जिनको आप जानते थे, उन उस लीनेज के एटलीस्ट फोटो लगाएं, फ्रेम कराएं, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, एक मीडियम साइज का फ्रेम करा के फोटो लगाना। कहाँ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है जो दक्षिण की दिशा होती है वो हमारे पितरों की दिशा होती है, तो आप दक्षिण में वो फोटो उनके पितरों के लगाएं, और हर अमावस पर उनको एक चंदन की माला अर्पित करें। पुरानी माला नेक्स्ट अमावस पे निकाल दें और फिर नई माला अर्पित करें और उनको धूप दीप दें। ये दिन, ये सिर्फ अमावस के दिन करना है, हर रोज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को धूप दीप दिखाते हैं इसका मतलब उस एनर्जी को जागृत कर रहे हैं। तो जिस समय सिर्फ पितरों का समय है, अमावस का समय है, उसी दिन ये करें तो ज्यादा बेटर है, हर रोज ना करें। इसके अलावा हम दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही पॉपुलर भी है और बहुत से लोग इस बात को बोलते भी हैं कि वो उपाय है जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिसमें से कि मेन जो पेड़ है वो है पीपल का पेड़, बरगद,
बड़ का यानी बैनियन ट्री, बड़ का पेड़ जिसमें जटाएं होती हैं। तीसरा आता है अपना बेल पत्र का पेड़, और चौथा आता है हमारा रुद्राक्ष का पेड़। ये कुछ इस तरह के चार पांच तरह के जो पेड़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पितरों को। कहा जाता है कि हमारे पितर जो है जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो पीपल के पेड़ पे या वड़ के वृक्ष के ऊपर वास करते हैं। तो जीवन में कोशिश करें कि इस तरह के पांच वृक्ष तो आप लगाएं ही लगाएं जब भी आपको समय मिले, और लगा के उन्हें छोड़ नहीं देना है। जहां तक हो सके या तो उनको ऐसी पब्लिक प्लेस पे लगाएं जो आश्रम है या गार्डन है, सार्वजनिक पार्क है, जहां लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले और आप भी उसकी देखभाल आते जाते करते रहें। या फिर आप किसी आश्रम में जाएं, महाराज से बात करें, वहां पर जाकर के आप इस तरह का पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आप बेलीपत्र का पेड़ या फिर रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष का पेड़ बहुत अच्छा माना गया, पीपल और रुद्राक्ष ये दो पेड़ बहुत अच्छे माने गए पितरों को अर्पण करने के लिए। इनका इनका आप इस श्राद्ध पक्ष में लगाएं या अमावस पे किसी भी पूरे साल में आप लगा सकते हैं। लगाते समय आपको करना क्या है, जब आप इस पेड़ को लगा रहे हैं उस समय आपको हाथ जोड़ के पेड़ लगाने के बाद वहां पर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको प्रणाम करके कहना है, हे पितृदेव, मैं आपको मेरे समस्त परिवार की तरफ से ये स्थान अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, और आपको मोक्ष का रास्ता प्रदान कर रही हूं या कर रहा हूं। आप हमारे जीवन आप हमसे प्रसन्न हो और हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम आगे की हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी, संतुष्ट और तृप्त रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप वहां पर एक सरसों के तेल का दिया जला के और उस पेड़ के आगे छोड़ के आए। इसके बाद आप रोज उसकी, क्योंकि छोटा है पेड़ तो उसकी सेवा जितनी हो सके करें, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए पेड़ तो उसकी अमावस के अमावस आप उस पे, अगर आप रोज करते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम अमावस के दिन शाम के समय तेल का, सरसों के तेल का दीपक जला के इसी तरह की प्रार्थना करके पितरों को आप तर्पण कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि आप किसी भी अमावस्या के दिन, पितृपक्ष में तो ठीक है उसके उपाय मैं आगे बताऊंगी, लेकिन किसी भी अमावस्या के दिन अपने जो भी पितृ हैं उनके निमित्त सफेद रंग की चीजें, जो होल अनाज होता है जैसे कि चावल है, चीनी है, आटा है, सफेद वस्त्र है और कुछ दक्षिणा जरूरी है, इन सभी का सीधा लेके, सीधे का मतलब है पकाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ले लें और इसको किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें पितरों के निमित्त, जिससे कि वो जो भी मंत्र है उनके द्वारा उनको तर्पण कर सके, या फिर आप किसी मंदिर में इसको रख के आ सकते हैं। तीसरा और नेक्स्ट उपाय ये है कि आप किसी भी एक गरीब कन्या का, अपने पूरे जीवन में किसी भी एक गरीब कन्या के, जो बहुत ही पुअर फैमिली से रिलेट करती हो, आपकी सर्वेंट की डॉटर भी हो सकती है, कोई भी लड़की जिसे आप जानते हो, उसका जो मैरिज है वो कराते समय आपने दान करना है, उसमें योगदान देना है, और जो योगदान देना है उसका डिस्कशन किसी से नहीं करना, यानी कि दान छुपा के किया जाए। आपका अगर राइट हैंड से आप दान कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले, ऐसा दान दान कहलाता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। तो इस तरह गरीब कन्या का अगर आप विवाह कराते हैं तो भी, और जब भी आप कोई ऐसा काम कराए एक इंटेंशन मन में रख के जरूर कराएं कि ये हमने अपने पितरों के निमित्त किया। इसके अलावा अगला उपाय है कि आप अपने पूरे जीवन में एक, कम से कम एक गाय बछड़े के साथ दान करें, ये भी एक पितरों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। डेली रूटीन में आपको क्या करना है, डेली रूटीन में आप जो पहली रोटी बनाते हैं और आखिरी रोटी बनाते हैं, एक पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी डॉग के लिए निकाली जाती है, वो भी पितरों के समक्ष ही निकाली जाती है, तो वो जरूर निकालें और निकाल के उसको जिसके नाम से निकाली है उनको दें, ये भी आपके जीवन के पितृ दोष को दूर करेगा। जो हमारे घर में जल का स्थान होता है यानी पीने के पानी का जो स्थान है, वो मटका है या कोई भी टैंक किसी भी जगह या कुआं है किसी के घर में, गांव में,
वो जगह जो है वहां भी पितरों का वास कहते हैं, कहा जाता है, तो उस जगह को साफ सुथरा रखें, शाम के समय वहां पे दीपक जलाएं, ये भी पितरों के समक्ष हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो पितरों के लिए बहुत ही ज्यादा हम कहते हैं कि तर्पण में यूज की जाती हैं, जिसमें कि तिल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तिल को आप आटे के साथ मिला के, चावल के साथ मिला के, गुड़ और घी इन सब के साथ मिला के अमावस के दिन आप पितरों के निमित्त किसी भी गौशाला में जाएं और गाय को खिलाएं, ये भी हम पितरों के लिए तर्पण के लिए कर सकते हैं। देवों के देव महादेव जो है वो भी हमारे पितरों तर्पण भी पितरों की मुक्ति के लिए एक हमें मार्ग दिखाते हैं। तो महादेव से किस तरह से महादेव को प्रसन्न करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर में एक मंत्र का जाप, एक मंत्र है उसका जाप सुबह शाम, सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। एक माला यानी 108 बार उस मंत्र का जाप करना है आपको। मंत्र बहुत ही आसान है, ये गायत्री, शिव गायत्री मंत्र है। उस मंत्र का जाप है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें और महादेव को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मेरे सभी पितरों को तृप्त कर मुक्ति का रास्ता प्रदान करें। ये भी इस तरह से भी हमारे पितृ प्रसन्न होकर के मुक्ति के रास्ते की ओर जाते हैं और हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाते हुए सभी दुख बाधाओं को, रुकावटों को दूर करते हैं। इसके अलावा और भी सजेशंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं और हमारे विधान में भी कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, भागवत कथा जिसे कहा जाता है, भागवत सप्ताह होता है, इसका अपने जीवन में एक बार भागवत कथा का पाठ जरूर कराएं समस्त परिवार के साथ मिलके। तो वो भी हमारे समस्त पितरों को, जो भी हमारे पीढ़ियों में हुए हैं, उनको एक मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। इसके अलावा पूजाएं जो कही गई हैं उसमें नारायण बलि और नाग बलि, ये दोनों भी मुख्य मानी जाती हैं। तो नारायण बलि और नाग बलि, इनकी पूजा हो सके तो जीवन में एक बार जरूर कराएं। हालांकि बहुत खर्चा होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार अपने पितरों के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। अब ये नारायण बलि और नाग बलि कहाँ कर सकते हैं? हम जो अपने महाराज से वो पूजाएं कराते हैं, वो हम घर में ही कराते हैं, क्योंकि पितरों का वास कहा जाता है कि घर में ही होता है। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ पंडित जो लोग हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि किसी भी पवित्र नदी के किनारे, जो भी हर जगह पर एक एक नदी इस तरह का स्थान दिया गया है कि यहाँ पितरों की तृप्ति होती है। जैसे गुजरात में कहें तो चाणोद में है, और हमारे पूरे भारत में कहें तो गया जी में कहते हैं कि पितरों का तर्पण होता है। फिर कुरुक्षेत्र भी एक ऐसी जगह है जहाँ पितरों का तर्पण होता है। तो इस तरह जो अलग अलग स्थान है वहां जाके भी आप इस तरह की पूजाएं संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये श्राद्ध पक्ष के अंदर अगर नारायण बलि की पूजा की जाती है, और खासकर गया में जाकर के अगर आप की करते हैं, तो उससे भी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन में ये पितृ दोष की बाधाओं से उनको मुक्ति मिलती है। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है? इन 15 दिनों में जो श्राद्ध पक्ष है, पूर्णिमा से लेके अमावस तक, अपने पितरों का सभी का अलग अलग दिन श्राद्ध आता है, उसके अनुसार तो श्राद्ध उनका करें ही, लेकिन उसके अलावा जो आपको फॉलो करना है, हर रोज जो भी आप भोजन बनाते हैं, सुबह का भोजन खास करके, उसमें से पहली रोटी और आखिरी रोटी जो है वो अपने पितरों के निमित्त निकालें, गाय और कुत्ते के लिए निकालें। इसके साथ साथ जो भी भोजन बनाया जा रहा है, स्वीट इस समय जरूर बनाई जाती है 15 दिन, तो जो भी मीठा बनाया गया है वो भी लेके, और इस समय आपको जो कौवा है, क्रो है, उसके लिए भी जरूर भोजन निकाला जाता है। कहते हैं कि उससे भी हमारे डायरेक्टली पितरों तक, क्योंकि वो भी एक रिप्रेजेंट करता है पितरों को, तो वहां तक उस जो भोजन है वो पहुंचता है और पितृ तृप्त होते हैं। तो अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं, कौए को नहीं मिल रहा है कहीं, तो कहीं पे भी आप गाठिया यानी सेब की तरह, एक गुजरात में आइटम होता है, शायद आप लोगों के जगह पे भी बड़े सेब के रूप में वो मिलता होगा, या ममरा जो होता है वो, आप जहाँ पे कौए हैं या और पक्षी आ रहे हैं वहां पर उसको डाल दें,
गाय को भोजन जरूर कराएं, गाय को हो सके तो रोटी गुड़ और घी इस समय में जरूर खिलाएं, कुत्ते को किसी भी तरह का जो डॉग है उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाएं। ये खासकर 15 दिनों में ये उपाय तो करना ही करना है आपको, तो इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पेड़ का उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेड़ जरूर लगाना है आपको, जीवन में लगाएं ठीक है, नहीं तो ये पितृ पक्ष बहुत ही अच्छा समय है पेड़ लगाने का। लास्ट ईयर हमने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ जैसा ही किया था कि इन दिनों में सभी के निमित्त लेकर के बहुत से लोगों ने इसमें डोनेशन भी किया था। आश्रम में हमने रुद्राक्ष के पेड़ लगाए थे, इस बार वो संभव नहीं है कोरोना की वजह से, इसलिए हम ये नहीं करने चाह रहे हैं, तो आप अपने अपने स्थान पर ही इस तरह के पेड़ों को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजों का आप जीवन में अगर पालन करते हैं तो हम पितरों को अपने प्रसन्न कर सकते हैं, जिसमें है कि स्त्री, कोई भी स्त्री है, अगर पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए पूरा पूरा, चाहे वो अपनी माँ है, बहन है, मित्र है, कली है, कोई भी है, उनका सम्मान, पड़ोसी है, एनी उनका सम्मान करें जीवन में। और सभी बच्चों को ऐसा, बच्चे यानी कोई भी, ऐसा नहीं कि बच्चे मतलब छोटे, हम भी बच्चे हैं किसी के लिए, तो हमसे जो बड़े हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान करें। एक ऋण जो होता है वो दिखता नहीं, लेकिन वो बहुत ही गहरा ऋण होता है, होता है गुरु ऋण। तो जिससे भी आपने कोई भी शिक्षा, कोई भी चीज ली है, कुछ भी थोड़ा भी सीखा है, तो उस गुरु का अपने जीवन में जरूर सम्मान करें, अन्यथा आपके ऊपर वो गुरु का ऋण भी चढ़ जाता है। तो वो सम्मान जरूर करें, किसी भी तरह अपने गुरु को थैंक्स करें, जिससे कि आप इस ऋण से मुक्त हो। ऋण भी वन काइंड ऑफ पितृदोष निर्मित करता है। इसके अलावा अगर ये सारे रिचुअल्स हैं और हिंदू धर्म से बहुत सारे कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, हिंदू धर्म को अगर सपोज फॉलो नहीं करते, कुछ लोग क्रिश्चियन है या किसी और चीज को मानते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है होपोनोपोनो, जिसके अंदर की 4 लाइंस आती हैं। तो आप अपने पितरों के समक्ष ये 4 लाइंस बोल के भी उन पितरों से माफी मांग सकते हैं। होपोनोपोनो आपको गूगल करेंगे तो वहाँ पे वो 4 लाइंस मिल जाएंगी, किस तरह से उन्हें चैंट करना है, किस तरह से आपको अपने पितरों के निमित्त वो बोलना है, तो उस तरह से भी आप अपने एंसेस्टर्स से सॉरी बोल के और फॉरगिवनेस लेके अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ गरीबों को भी समय समय पर कुछ ना कुछ दान करते रहें, आपके घर के सर्वेंट्स हैं उनको खुश रखें, या मंदिर के बाहर भी कुछ गरीब बैठे रहते हैं, और खासकर इन श्राद्ध पक्ष में जरूर आप देखेंगे कि वहाँ गरीब बैठे होते हैं, उन्हें भोजन दें, कपड़ा दें, और किसी ना किसी प्रकार का दान उनको देते रहें। झोली में से अगर हमारे एक थोड़ा सा दान उनके चला जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो जाए या हम गरीब हो जाए, तो इस तरह का दान भी हम अपने पितरों के निमित्त देते रहना चाहिए, और हर जगह से, हर तरह से, जहां तक हो सके दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करें, जिसमें कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से। अगर आप किसी को भी कष्ट देते हैं तो वो पितृदोष का निर्माण करता है, तो मनसा वाचा कर्मणा से आप सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करें, मन से भी सबको ब्लेस करें, अपने वचन यानी बोलने से भी दूसरे को खुश करें, और कर्मणा यानी कर्म से, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे भी कोशिश करें कि दूसरे की मदद हो सके, दूसरे के काम सॉल्व हो सके। इस तरह के जो आप करते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो ये भी पितृदोष को दूर करता है, और किसी के मन को कभी भी कष्ट ना पहुंचाएं, किसी की चीज को कभी भी छीने नहीं, हड़पे नहीं, किसी का भी अगर कोई हक है तो उसका हक उसे दे दें, उसके हक को ना छीने। ये सारी चीजें आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपकी जो लीनेज है, उसको खुश करेगा, और आपके जीवन में आ रही पितरों की जो भी रुकावटें हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगी, और आपके पितर भी यही लोग से मुक्ति पा करके परलोक, जिसे कहते हैं, वहां पर जरूर मुक्ति पाएंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में, सभी के जीवन में आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। किसी भी तरह की अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि लोगों तक ये वीडियो पूरी तरह पहुंच नहीं पा रहा है, इसका रीजन यही है कि आप
सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके हर कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर्स, मेरे वेबसाइट का एड्रेस सभी कुछ है। आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं जो भी क्वेरीज हैं, और जब भी समय होता है तो मैं आप लोगों को क्वेरीज जो भी हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करती हूँ। इसी के साथ वैदिक कल्चर में आज के लिए ओम नमः शिवाय। अगले एपिसोड में एक नए किसी उपाय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।